सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो टॉपिक पूरा कंप्लीट किया था, हमारे पास जो फंक्शंस ऑफ आरबीआई थे, मतलब कि आरबीआई के कार्य थे, ठीक है। देखो आज जो हमारे पास टॉपिक है, ये मान लो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। सबसे पहली चीज़ जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं, हमारे पास है केंद्रीय बैंक जो है ना, वो मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कैसे करता है, ठीक है। नॉर्मल से अगर बात बोल दूँ कि जो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द आरबीआई, इस तरीके से मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात बताऊं, हमारे पास जो इंडिया है, मतलब कि जो कोई सी भी कंट्री होती है, उसमें दो कंडीशन होती है, एक होता है इन्फ्लेशन, दूसरा होता है डिफ्लेशन, ठीक है। एक मुद्रा स्फीति, दूसरा अवस्फीति, दो कंडीशन आती है, ठीक है। तो पहली बात समझो भाई, जो पहली कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, मुद्रा स्फीति। तो उस टाइम क्या होता है कि जो भी हमारे पास गुड्स वगैरह हैं, जो भी वस्तु वगैरह हैं, उनकी उनके जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात मारिए, कोई सी भी जो वस्तु है, उनके जो उनके प्राइस है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसके अंदर? मुद्रा स्फीति के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर। इन्फ्लेशन मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं डिफ्लेशन, जिसको बोलते हैं अवस्फीति। इसमें जो हमारे पास जितने जो भी किसी चीज़ का जो प्राइस थोड़ा कुछ ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। या फिर मान के ये बोल सकते हैं कि पूरे मार्केट के अंदर ना जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, वो स्टॉक अवेलेबल नहीं होता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ का स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, या नॉर्मल सी बात बोले, पैसे का फ्लो मार्केट में इतना कम हो जाता है, मार्केट के अंदर से पैसा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक, जिसके कारण से कोई सा बिजनेस चल नहीं पाता। बात मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, इन्फ्लेशन बता दिया मैंने क्या होता है, इन्फ्लेशन में किसी को शायद दिक्कत नहीं होगी, ठीक। डिफ्लेशन की बात करते हैं, जो मेरे पास डिफ्लेशन, इसको अवस्फीति बोलते हैं, अच्छा इसको अवस्फीति अंतराल भी बोलते हैं एक तरीके से। अब सुनो, जो मेरे पास डिफ्लेशन है, इसको हम अवस्फीति बोलते हैं। इसमें देखो क्या होता है, मार्केट के अंदर से पैसा खत्म हो जाता है, बैंक वालों के पास पैसा नहीं होता। जब बैंक वालों के पास पैसा नहीं होता है ना, तो उस टाइम वो लोन नहीं दे पाते। जब वो लोन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा भाई, कोई सा बिजनेस चलेगा नहीं। जब बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, और जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो मजे नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल सी बात है, समझ रहे हो मजे क्या, तो जो भी वो मजे उड़ाते हैं वो मजे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जिसको जैसा समझना है वो समझ लो। तो अब देखो मैं तुम्हें यही वाली बातें बता रहा हूँ कि अगर वो मजे नहीं कर पाते तो उससे पता क्या होगा, आगे जो जिन चीज़ों से वो मजे करते हैं, जैसे मान के चलो कि कोई शराबी है, वो शराब पी के मजे करता है, तो जो ठेका वाला है ना, उसके वैसे चलेगी नहीं। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं कि शराबी शराब ना पिए, वो घर के गहने वगैरह बेच के पिएगा, लेकिन पिएगा जरूर। 11th क्लास में पढ़ा था ना मैंने कि कुछ कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनका प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड उतनी की उतनी रहती है, ठीक। और उसके बाद मैंने तुम्हें 12th में बताया कि हमारी पूरी इकोनॉमी को किसने संभाल रखा है, शराबियों ने संभाल रखा है। पता है ना कैसे? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले जो दुकान खुली थी कौन सी थी, शराब की। पता है मैं उस टाइम ना, पता कि मेरे घर वाले सोच रहे हैं कि पता नहीं शराब की दुकान खुली है, मुझे तो पता था कि भाई क्यों खुली है, क्योंकि यही हमारे देश को चलाएगी बहुत स्पीड में। तुम मानोगे नहीं, लॉकडाउन में गांजा बिका है खूब सारा भर भर के। आप बताओ, एक मेरी जान पहचान का भी है, उसने वो बता रहा था भैया मैंने इतना गांजा बेचा है। मैं चल बढ़िया, सुनो पर मैंने नहीं मंगाया, सुनो। हाँ भैया, तो सबको अवस्फीति के बारे में पता लग गया, किसको पता नहीं लगा क्या होता है अवस्फीति, मतलब पूरी इकोनॉमी का पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाना, ठीक है। और इसमें कैश का फ्लो इतना फास्ट होता है ना, इसके अंदर कैश का फ्लो इतना फास्ट होता है कि भाई हर एक चीज़ का प्राइस ना बढ़ना शुरू होता है। अभी पता क्या, ये जो हमारे जो कंडीशन चल रही है, कौन सी कंडीशन है, इन्फ्लेशन चल रही है अभी। देखो पता है, मैंने जो चीज़ नोटिस करी ना, कि मेरे घर में जो चावल की जो बोरी आती है, इस साथ एक महीने पहले और एक महीने बाद का जो डिफ्रेंस है, 100 या 125 रुपये का है, इस तरीके से। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ नोटिस करी थी, क्या करते, तेल, ठीक है। मैं पता नहीं कभी किसी वो कुछ था पर्व वगैरह था, जो फेस्टिवल था, मैं उस समय तो तेल लेने के लिए, तो मैंने उससे पहले शायद ना एक साल पहले तेल खरीदा था, ठीक है, तो मैं गया था। अब उस टाइम जो डिफरेंस था ना, वो था पता नहीं अभी कितना लीटर चल रहा, पता है इसको, 320 रुपये लीटर। अच्छा 320 का दो, तो कितना हो गया, 160। बताओ मैंने 90 रुपये लीटर खरीदा था पहले, 90 रुपये लीटर और 160, बताओ 70 रुपये का डिफरेंस, समझ रहे हो। तो ये मेरे पास कौन सी कंडीशन चल रही है भाई, अभी इन्फ्लेशन की है। तो क्या ध्यान रखना, जब भी बहुत ही स्पीड में प्राइस बढ़े ना, तो ये होता है। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, वो क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तुम्हें पार्ले जी आता 2 रुपये वाली, पहले उसमें
कितनी 8 बिस्किट मेरे हिसाब से, ठीक है। अब चार आती है, उन्होंने हाँ कहते ना, उन्होंने प्राइस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, प्राइस उतना ही क्वांटिटी कम कर दी है, तो इसको भी वही बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। अरे क्या बोल सकते हैं, पता है हमारे टाइम पे 3 रुपए वाली बिस्किट आती थी ग्लूकोज वाली, अब तो 3 रुपए में कुछ नहीं मिलता। हाँ भाई, अरे मतलब कि जब मैं छोटा था, छोटे वाले ज़माने में, ये नहीं कि अरे जमाना तो इसी को बोलेंगे यार। सुनो, तो आज हम टॉपिक क्या करने वाले हैं भाई, टॉपिक मेरे पास है कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण। हेडिंग डालो सब, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण है, और इंग्लिश में लिखो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। लिख लिया भाई सबने, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण है, और इसको जो हम इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक है। भाई सुनो, तुम सबको ना मतलब एक ना देखो, अब जिसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती उसको हल्की दिक्कत आएगी, अदरवाइज अगर तुम समझ गए तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत ही मस्त कर लोगे इसे, ठीक। सबसे पहले चीज़ भाई देखो, तुम सबको ना मैं वो सारी की सारी बातें बताऊँगा कि अच्छा देखो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि RBI के कंट्रोल में होती है, ठीक। उससे क्या है कि RBI जो है ना पूरे देश को कंट्रोल कर सकता है, बस ना लिया देखो। अच्छा सबसे ना कि ये सारी बात बताने से पहले तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। कभी कभार पता क्या होता है, जब अच्छा एक बात तुम्हें पता है कि RBI हमेशा उतना ही नोट छाप सकती है जितना उसके पास गोल्ड होता है, ठीक है ना। तो उसके पास हमेशा जो रिजर्व रखना होता है 200 करोड़ का होना चाहिए, 200 करोड़ में से 120 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 80 करोड़ का जो दूसरी कंट्री के जो करेंसी है ना वो होने चाहिए, इतना होना चाहिए हमेशा। ये पता चुका हूँ पहले, मैं थोड़ा पिछला रिवाइज किया करो। अब सुनो भाई, तो अब मैं तुम्हें जो आगे बातें बता रहा हूँ ना, कभी कभार क्या होता है जब मार्केट के अंदर पैसा खत्म हो जाता है ना, लोग क्या है कि बोरा भर भर के छुपा लेते हैं। सोनिया गांधी थी, राजीव सोनिया गांधी थी ना, जिंदा है वो भी नहीं, तो जो मर गई उसकी बात करो। नहीं नहीं हाँ ठीक है, सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी ने 6 कमरा भर के पैसा रखा हुआ था, 6 कमरा भर के, सोच रहे हो 6 कमरा भर के नोट रखा हुआ है भाई, हमारे घर में 6 कमरा सामान नहीं होता है। देखो तो मैंने क्या बताया, सुनो, जब ना ऐसे ही बहुत सारे लोग, और पता है जो बड़े बड़े जो होते हैं ना उद्योगपति, वो घर के अंदर पता है कैश रख लेते हैं। अच्छा पता है कैश रखने का फायदा क्या होता है, उन्हें टैक्स देना पड़ता। एक होता है वेल्थ टैक्स, जितना तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है ना उन सब पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तुम जो थोड़े से हो जाओगे ना अमीर तब तुम्हें पता लगेगा, ये समझ रहे हो ना। देखो सेम का तो अपना बिजनेस है भाई, सुनो तो अब सुन जाओ। देखो मैंने क्या बोला, सुनो मैंने ऐसा बताया कि अगर मार्केट के अंदर पैसा खत्म हो रखा है इसका मतलब डिफ्लेशन चल रहा है, अवस्फीति चल रही है। भाई तुम्हें पहले दोनों वर्ड पता होने चाहिए, यानी कि मैं कुछ भी बोला जा रहा हूँ, बस एक इन्फ्लेशन दूसरा डिफ्लेशन पता होना चाहिए। तो डिफ्लेशन की स्थिति चल रही है, अवस्फीति की स्थिति चल रही है, तो पूरी इकोनॉमी डाउन चल रही है, मार्केट में पैसा नहीं है और सरकार को पता भी नहीं है, मतलब कि जो RBI है उसको नहीं पता पैसा कहाँ चला गया था सारा, क्योंकि RBI के पास तो है नहीं, तो इसका मतलब लोग ने ब्लैक में रखा हुआ है। उस टाइम ना इकोनॉमी को चलाने के लिए सरकार जो RBI है एडिशनल नोट छापती है, ठीक है। वो करती भाई मतलब कि ऐसे नोट छाप देगी जैसे मान लो कि 5,000 करोड़ इतने नोट छाप दिए, ठीक। तो अब इतने नोट छाप के मार्केट में चला दिए, बैंक को दिए, तो बैंक ने आगे लोन दिया, ठीक है। बात समझ आ रही है, देखो बैंक को दिया कम रेट पे, बैंक रेट समझते हैं ना क्या होता है, बैंक रेट वो रेट है जिस पे जो RBI है कॉमर्शियल बैंकों को, जो हमारे पास वाणिज्यिक बैंक है उनको लोन देती है, ठीक है। तो अब समझो क्या होता है भाई, देखो मार्केट के अंदर पैसा मतलब कि जो मार्केट की जो इकोनॉमी है वो डाउन है, ठीक। जो इकोनॉमी है भारत की डाउन है, मतलब कि डिफ्लेशन की स्थिति है, अवस्फीति की स्थिति है। तो इस केस में क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारे पास जब जैसे ही RBI ने नोट छापे और बैंकों को दिए, बैंकों को नोट देने के बाद बैंक आगे लोन देगी, अब बैंक लोन देगी ना, जिससे मालूम होता है बहुत सारे लोग ना एडवांस में लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं कि भाई हमें लोन चाहिए, ये तो सुना होगा ना लोन के लिए अप्लाई करना होता है। तो अब क्या है, जैसे ही ना बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा था, जैसे ही पैसा आया बैंक ने तुरंत ही कॉल मारी, हाँ भाई आ जा पैसे ले जा, तुरंत ही कॉल मारी पैसा ले जा, चेक लिख लिख दिया लेते रहा, ठीक है। अब वो पूरी इकोनॉमी को चलाएंगे, देखो बिजनेसमैन के पास पैसा आ गया, बिजनेसमैन के पास पैसा आने के बाद क्या होगा, वो पैसा आगे लेके जाएंगे, समझ रहे हो ना। इस फंड में किसको नहीं आ रहा है, मैं नॉर्मल सी बात बोली है। देखो RBI है, RBI ने एडिशनल नोट छापे, क्या किया भाई उसने, एडिशनल नोट
ठीक है, एडिशनल नोट छापे बिना किसी उसके कुछ टाइम के लिए। इसने ये सारे सारे पैसे कहाँ गए भाई, ये सारे गए कॉमर्शियल बैंक के पास, मतलब जो वाणिज्यिक बैंक है उसके पास चले गए। वाणिज्यिक बैंक के पास जाने के बाद क्या हुआ, इसने आगे लोगों को लोन दिया, ठीक है, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था सबको क्या लोन दे दिया। लोन देने के बाद क्या हुआ भाई, अच्छा लोन किसे दे, बिजनेसमैन है नहीं, हाँ भाई ये सारे सारे कौन लोग हैं, बिजनेसमैन है या फिर जिसको बाइक वगैरह खरीदनी है या फिर किसी को कार खरीदनी है, होता ना कार लोन, होम लोन, ये सारे सारे लोन होते हैं, तो इन सबको दे दिया। ठीक, तो इन सब ने क्या किया, देखो जिन्होंने जो बिजनेस चलाएंगे, जो लोग बिजनेस चलाएंगे वो आगे एम्प्लॉयमेंट देंगे, समझ रहे हो, जो लोग बिजनेस चलाएंगे वो देंगे आगे एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी देंगे ना। मान के चलो कि मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, अब 1 करोड़ के लोन में क्या होगा कि भाई मैं कोई सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, 1 करोड़ का बिजनेस है भाई, कम से कम मैं उसमें 1 करोड़ के बिजनेस में 10 एम्प्लॉय, कम से कम 50 एम्प्लॉय भी चलेंगे, कम से कम 50 एम्प्लॉय कम से कम होंगे उसमें, तो 50 एम्प्लॉय को मैं सैलरी दूंगा, ठीक है, अगर सबको मैं मंथली 10,000 भी देता हूँ ना तो उनके बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में, ठीक है, उनको सुबह सुबह चीज़ दिलाएंगे, समझ रहे हो। तो अब मान लो कि 1 के 1 बच्चे, वैसे मुस्लिम के 10 होते हैं, ठीक है, तो वो मान लो 10 को दिलाते हैं तो कितने, एक दिन के 50 रुपये खर्चा हुआ, बिस्किट के ऊपर 50 रुपये खर्चा हो गया, 50 रुपये बिस्किट पे खर्च, मान लो 100 रुपये दूध पे खर्च, तो 150 रुपये एक दिन का सुबह सुबह ही चला गया। तो दुकानदार के पास गया भाई पैसा, पैसा कहाँ जाएगा, दुकानदार के पास, ठीक है, दुकानदार का खर्च चल गया, दुकानदार का घर चलने के बाद और आगे वो जहाँ से माल लेके आएगा गोडाउन से, गोडाउन वाले का घर चल गया, ठीक है, गोडाउन वाला जिस खेत से लेके आएगा उस किसान का घर चल गया, समझ रहे हो। तो ये पूरी इकोनॉमी क्या चल गई, पता नहीं इकोनॉमी कहाँ से शुरू होती है कहाँ से खत्म होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता वो पहले क्लास देख लेना, ठीक है। अब सुनो फिर भाई, जिन लोगों ने लोन लिया है बाइक के लिए, कार के लिए, ठीक, अब इसके बारे में बता रहा हूँ। मान लो मैंने कार के लिए लोन लिया, ठीक, वही बाइक कार और जो होम लोन वगैरह सारी इसी में इंक्लूड कर लो, मैंने बोला मैंने किसी चीज़ को साइकिल के लिए, बड़े गरीब हो यार, सुनो मैंने क्या बोला, देखो सुन जाओ, मैंने देखो ऐसा बोला कि अगर मैं कार के लिए, बाइक के लिए, फिर होम लोन लेता हूँ तो मैं उस पर इंटरेस्ट भरूंगा, समझ रहे हो ना, तो इंटरेस्ट अगर मैं भरता हूँ तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा बैंक के पास, बैंक क्या करेगी उसको दोबारा लोन देगी, ठीक है, दोबारा लोन देगी, दोबारा वही सर्कल चालू कर दो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती है, मैं तो भाई एडिशनल नोट कब छापती है सरकार, मैंने बस इसको समझाने के लिए बताया कि जब इकोनॉमी पूरी स्लो डाउन हो जाती है ना, तो इकोनॉमी को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था जब पूरी थम जाती है, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए क्या करना होता है, सरकार जो RBI है वो नोट छापती है एडिशनल, ठीक है, एक्स्ट्रा नोट छापती है, जिसको मतलब कि फर्जी नोट बोल सकते हैं, जो बिना सबूत के छपते हैं, हम बस लोगों को पता नहीं होता, ठीक। और जब ना ये सारा जब इकोनॉमी चल जाती है ना, तो वो RBI क्या करती है भाई, धीरे धीरे जो पैसा है ना उसको वापस ले देती है और उतने नोट को जला देती है, वैसे वो पुराने नोट जल जाते हैं ना, मस्त ना रही है वैसे, पूरा जला दे, पूरा रद्द कर देते, छोटे छोटे कर देते टुकड़े उसके, नोट रद्द करने की मशीन आती है, ये चीज़ चलते हैं, हाँ भाई ये सारी बातें क्लियर पहले। अब सुनो हमारे पास जो टॉपिक था, वैसे पता है ये भी टॉपिक बन सकता है कि एडिशनल नोट छाप कर, ये टॉपिक बन सकता है वाला। अब सुनो मेरे पास जो टॉपिक है भाई, इसके अंदर ना दो तरीके हैं, ठीक है, मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, सब थोड़ा फोकस सुनना, मैं सिर्फ एक बार बोलूँगा रूम में। पहला जो मेरे पास है जिसको बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण, इसको लिख लो इसे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण। और जो दूसरा मेरे पास है वो है गुणात्मक उपकरण, जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब सुन जाओ भाई, देखो पहले तो मैं बताऊँ तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बन के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि RBI के द्वारा या फिर केंद्रीय बैंक के द्वारा जो मनी सप्लाई, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कैसे किया जाता है, बात समझ आई, पहला क्वेश्चन मैंने बोला, तो इसमें दोनों ऑप्शन कवर हो गए, समझ में आ रही बात। मैं तो मैं दो तरीके बताए ना अभी, समझ में आ रही है बात। मैंने तो मैं देखो पहले हेडिंग लिखवाई कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की
पूर्ति का नियंत्रण, लिख रहा हूँ नियंत्रण, तो भाई मेरे पास क्या है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द आरबीआई डाल रहे हैं, ठीक है, वही बात पढ़ते हैं, केंद्रीय बैंक और आरबीआई की बात पढ़ते हैं। सुनो, मैं तुम्हें इसमें दो तरीके बताए हैं, पहला दूसरा। जो पहला मेरे पास है वो मेरे पास है भाई क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक, मात्रात्मक उपकरण, हाँ भाई। दूसरा मेरे पास क्या है, क्वालिटेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, गुणात्मक, गुणात्मक उपकरण। सुनो भाई, ये दो तरीके हैं मेरे पास। सुनो, एक मेरे पास है जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है भाई, जो वीडियो देखे है ना वो मतलब कि सुन के लिखे है, ये नहीं कि वो देख के लिखे है। देखो, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, मात्रात्मक उपकरण है। अगला मेरे पास है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, गुणात्मक उपकरण। अब सुनो, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की, मतलब ये बोलते हैं केंद्रीय बैंक द्वारा मात्रात्मक उपकरण की सहायता से मुद्रा की पूर्ति कैसे की जाती है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति कैसे की जाती है, या फिर मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण कैसे किया जाता है। और इंग्लिश में क्या आएगा कि जो मेरे पास हाउ द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई, ठीक है, या फिर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द आरबीआई, इस तरीके से। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन तुमसे बोल देगा कि भाई केंद्रीय बैंक जो है ना वो मुद्रा की पूर्ति क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या फिर मात्रात्मक उपकरण की सहायता से कैसे करता है। ठीक, समझ में किसको नहीं आया वाला, दोबारा सुन लो एक बार। मैंने बोला कि केंद्रीय बैंक द्वारा मात्रात्मक उपकरण की सहायता से मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर के जितने पॉइंट हैं तुम्हें वो सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक। फिर अगला मेरे पास है, इसको ले लेता हूँ जिस तरीके से मैंने इसे बोला ना उस तरीके से लेगा, मतलब कि वही कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द आरबीआई विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये तीन क्वेश्चन बता दिए मैंने, मैं तुम्हें तीन टाइप के क्वेश्चन बता दिए। अब बात करते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चन की, उसमें जितने मैं छोटे छोटे पॉइंट बोलूंगा ना, जैसे पहला पॉइंट बोलूंगा भाई बैंक रेट, ठीक है। पहले जो हम पढ़ने वाले हैं साख नियंत्रण के मात्रात्मक, पहले हम इसे पढ़ेंगे ए वाले को। ए वाले का जो पहला पॉइंट है वो है बैंक रेट है, ठीक है, हिंदी में वही है बैंक दर है। सुनो भाई, सबसे पहली चीज ये मेरे पास क्या है, हम पहले बात करते हैं कि जो आरबीआई है वो बैंक रेट से जो मनी सप्लाईज को कंट्रोल कैसे करती है। बात सुन आ रही है, आरबीआई बैंक रेट से, फिर उसको बोलते हैं कि जो मेरे पास बैंक दर है इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से जो मनी सप्लाईज को कंट्रोल कैसे करती है। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में होता क्या है। जो मेरे पास बैंक रेट है, पहले हमें इसका मतलब लिखना होता है। बात सुन आ रही है, क्या बताया मैंने कि जो भी मेरे पास ऐसी चीज़ है भाई इसका मतलब क्या होता है। जब भी तुम कुछ लिखोगे ना, पहले तुम्हें इसकी मीनिंग लिखनी है। मीनिंग जैसे मान लो मुझे पता है बैंक रेट का मतलब क्या होता है, कि बैंक रेट इज द रेट इन विच आरबीआई प्रोवाइड लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक, ऐसे ही होता है कि बैंक रेट मेरे पास जो बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक, ब्रैकेट में डाल देना आरबीआई, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है। बात मैं नहीं आई, दो मैं नॉर्मल के बता रहा हूँ कि जिस तरीके से जो आरबीआई मतलब कि पीएनबी एसबीआई हमें लोन देती है ना, उसी तरीके से जो आरबीआई है आरबीआई बैंकों को लोन देती है, ठीक है। तो अब हमारे पास वो रेट, देखो जैसे मान के चलो कि ये तो इंटरेस्ट रेट हो गया ना जो जो पीएनबी या एसबीआई हमें देती है, ठीक। लेकिन अगर मैं दूसरी बात तुमसे बोल दूँ कि भाई मेरे पास जो आरबीआई है, आरबीआई जिस रेट पे जो कॉमर्शियल बैंक है उनको लोन देती है उसे क्या बोलते हैं, बैंक रेट या बैंक दर बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो होता क्या है, देखो जब मान के चल लो कि भाई आरबीआई का जो रेट ऑफ परसेंटेज कम होता है ना, ठीक, उस टाइम पे क्या होता है कि भाई जो कॉमर्शियल बैंक है बहुत सारा लोन लेते हैं,
और लोगों को बहुत सारा देते भी हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। आरबीआई से बहुत, देखो जैसे मान लो आरबीआई ने अपना रेट कम कर रखा है, आरबीआई ने 5% रेट करा हुआ है, ठीक है, 5% के रेट पे इसने कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया, तो अब क्या भाई ये भी खूब सारा लोन आगे दे देंगे, ये भी क्या है बहुत सारा लोन आगे बांटेंगे। तो अब पता क्या, मार्केट में मेरे पास एक जो कंडीशन आएगी, इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी, ठीक है, मेरे पास क्या मुद्रा स्फीति की स्थिति आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, मुद्रा स्फीति की स्थिति आएगी। अब इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी भाई, जो बैंक रेट है उसको बढ़ा देगी, ठीक है। जब बैंक रेट को बढ़ाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक रेट को बढ़ाने के साथ मान लो 5 से कर दिया 50, मान लो सिर्फ, ठीक है, 5 से 50 कर दिया, तो अब भाई ये तो मान लो लोन ले लेगा, लेकिन अब इसको भी तो अपना परसेंटेज बढ़ाना है ना। देखो ये 5 पे दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक जो लोगों को लोन देगा ना, कम से कम भाई मान लो 8 पे देगा, इसको कमाना है क्योंकि 3%, ठीक है, 3% ही कमाएगा। अब मान लो 50 है, अगर 50 पे 3% रखेगा ना और आगे लोन देगा, 53 हो रहा है भाई, मुझे बताओ कि कौन ऐसा पागल है 53% पे लोन लेगा, और हर महीने जाता है, हर महीने मान लो मैंने 1 लाख का लोन लिया, उस पर 53,000 रुपये, 53,000 रुपीज़ मेरा सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा, बस नहीं कोई लेगा नहीं इसमें, समझे। तो नॉर्मल सी बात यह है कि आरबीआई इन्फ्लेशन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो अपना बैंक रेट है बढ़ा देती है, ठीक है, और जब डिफ्लेशन होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट कम करते हैं। इतनी बात समझ आई तुम्हें, बस लिखना क्या है ये समझो, पहले मीनिंग, ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे कि फॉर कंट्रोलिंग द बोल सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द कंडीशन या फिर सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन द बैंक रेट, क्या भाई कौन सा है, इन्फ्लेशन बोला ना मैंने, हाँ, तो द बैंक रेट विल बी डिक्रीजेज बाय द आरबीआई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद अगर दूसरी बात कर दूँ कि फॉर कंट्रोलिंग द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, ये तो है, अरे इन्फ्लेशन में बढ़ाते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, तुमसे हाँ बोल देते हो, सुनो, इन्फ्लेशन की कंडीशन में बढ़ा देते हैं, ठीक है, और डिफ्लेशन की कंडीशन में कम कर देते हैं, बात समझ आ गई इतनी। इसमें दिक्कत किसको है, किसी को कोई दिक्कत, लिख लोगे ना से, अगले पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट मेरे पास है खुले बाजार की क्रिया, इसको बोलते हैं ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब सुनो फिर, तुम्हें तुम्हारे टीचर ने फिर बताया था क्या, सुनो लिख लो इसे, खुले बाजार बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल इनको, खुले बाजार की प्रक्रिया क्रियाएं प्रक्रिया वाया तो है, ठीक है, हाँ बाजार है वो, देख लीजिए खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है भाई। अब सुनो, इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ओपन, अच्छा पहले वो तुम मुझे बताओ कि ओपन मार्केट से तुम क्या समझते हो, जो संडे बाजार मंडे बाजार होता है, जो खुले में लगता है वो वाला बाजार होता है क्या, ऐसा होता है वो, हाँ बोल रहा है, सुनो भाई, अच्छा किसी को पता है खुले बाजार की प्रक्रिया क्या होती है, सुनो भाई, देखो ऐसा होता है आरबीआई जो है ना अपनी सिक्योरिटीज प्रतिभूतियां इसको बोलते हैं, समझ रहे हो, अब तुम्हें ये प्रतिभूतियां वर्ड और नहीं लिखता ना, बहुत बता चुका हूँ मैं, ये प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज होती है आरबीआई के, जो भी शेयर्स वगैरह होते हैं वो। सुनो भाई, आरबीआई क्या करती है, अपने बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड सुना है, इससे प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं, मतलब बॉन्ड्स शेयर्स डिबेंचर ये वाली बातें कर रहा हूँ मैं, जिसको बोल सकते हैं कि सरकारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो कोई सरकारी कंपनी है, वो सरकारी कंपनी मार्केट से पैसा लेने के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपनी प्रतिभूतियों को मार्केट में इशू करती है, एक कागज़ लिख देती है कि भाई तुम कितने रुपए हमारी कंपनी में लगा रहे हो, लोगों को लिख के देती है कि अगर तुम्हें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है आके करो, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ। देखो होता क्या इसके अंदर, मान लो कोई सी भी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, कोई सी भी गवर्नमेंट कंपनी है, इस गवर्नमेंट कंपनी को, देखो जैसे प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है ना, ठीक है, इसी सेम तरीके से गवर्नमेंट कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक। तो
तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है विच इज कंट्रोल बाई आरबीआई, भाई किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो कोई सी सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी किसके द्वारा नियंत्रित की जा रही है भाई? आरबीआई के द्वारा। देखो क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, प्राइवेट कंपनी मतलब कि वैसे पब्लिक कंपनी होती हो, प्राइवेट नहीं होती, फिर से पब्लिक कंपनी है। तो ये कंपनी जब इनके पास पैसे कम पड़ते हैं ना, तो ये शेयर्स इशू करते हैं। क्या करते हैं? शेयर्स। मार्केट में एक प्रतिभूतियाँ इसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में सिक्योरिटीज बोलते हैं। इसको इशू करते हैं मार्केट में और लोगों से बोलती है कि भाई देखो बात ऐसी है कि अगर तुम हमारी कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहते हो तो लगा दो, ठीक है। अब उसके बदले एक ना लिखित कागज दिया जाता है कि भाई तुमने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, हम तुम्हें हर साल इतना परसेंट ब्याज तुम्हें देंगे, इतना परसेंट तुम्हें हिस्सेदारी या फिर तुम्हें अपने प्रॉफिट का इतना परसेंट हिस्सा हम तुम्हें देंगे, बात तुम्हारी इतनी। उसके बाद क्या होता है भाई, सुनो, उसके बाद एक अगली कंडीशन आती है कि जैसे ही ना जो गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी क्या इशू करती है भाई? अपने सिक्योरिटी। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा ये जो सिक्योरिटी ना, ये बैंक वाले भी खरीदते हैं, तो इसमें 12% इंटरेस्ट होता है। वैसे नॉर्मल कंपनी 3%, 4%, 5%, 6% देती है, ठीक, और ये जो है कभी कभार 20% देती है भाई। सरकारी कंपनी कभी कभार 20% देती है, तो लोगों के मन में लालच आता है। तो जैसे मान के चलो कि तुमने लगाया 1,00,000 रुपये, तुमने सरकारी कंपनी के अंदर ना 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए अपने, ठीक, वो तुम्हें हर साल 1,20,000 रुपये ब्याज देगी, समझ रहे हो? तुम्हें बैंक ना 2.3% देती है, 2.3, 2.1 ऐसा, और सरकारी ये कंपनी कितनी दे रही है? 20%, ठीक है। अब भाई इतना तगड़ा अमाउंट देख के लोग मन में आता लालच, और सबसे ज़्यादा लालच आता बैंक के मन में। बैंक पता तुम खड़ी रहती है, जहाँ आरबीआई ने इशू किया तुरंत खरीद लेती है, आरबीआई ने जैसे इशू किया ना तुरंत खरीदती है उसको। अब सुनो यहाँ पे क्या हुआ, आरबीआई ने अपने अपनी प्रतिभूतियों को, प्रतिभूतियां लिख रहा हूं, ठीक है, जिसको सिक्योरिटीज बोलते हैं भाई, इसने अपनी प्रतिभूतियों को इशू किया, मतलब कि जो इनकी सिक्योरिटी है उसको मार्केट में बेचा, ठीक है। बताओ बेचने से क्या होगा, मार्केट में जो सारा पैसा है ना वो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास, ठीक है। तो ये कौन सी स्थिति कंट्रोल हो गई? इन्फ्लेशन की, जो मुद्रा स्फीति की स्थिति है, जो मेरे पास इन्फ्लेशन की कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो कंट्रोल हो गई, ठीक। अपना आरबीआई ने सारा अपने पास, अच्छा इसको सोखना बोलते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में इंग्लिश में भी सोख है, SOAK, ठीक है, और हिंदी में सोख है, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं मार्केट से पैसा सोख लेना, ठीक है, ये फिर बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। तो इससे क्या होता है, जब ये सिक्योरिटीज इशू की जाती ना, तो मनी गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द मार्केट, जो पैसे होते हैं भाई वो क्या है, मार्केट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब पैसे एब्जॉर्ब हो गए, अब ये जो इन्फ्लेशन की कंडीशन थी भाई, तुम्हें पहले इन्फ्लेशन पता होना चाहिए क्या होता है, वरना तुम बोलोगे पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। इन्फ्लेशन वही होता है जब मार्केट में बहुत सारा पैसा चल रहा होता है, तो उससे वस्तु बहुत जल्दी महंगी होती है, जो गुड्स हैं उनके प्राइस बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही सिक्योरिटीज जो प्रतिभूतियां इनको इशू किया गया, इशू करने के बाद पता क्या होता है, जैसे इशू किया इसको, ठीक है, मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब हो गया, सोख लिया गया, अब ये जो इन्फ्लेशन की कंडीशन कंट्रोल में आ गई, अब पता क्या होता है, जैसे ही, अच्छा ये क्या है, बेचा है इसने, आरबीआई ने अपने शेयर्स को, जो प्रतिभूतियां हैं उसको मार्केट में बेचा है, ठीक है। उसके बाद अब जब ना मार्केट के अंदर देखते हैं भाई डिफ्लेशन आ गया, अब मेरे पास क्या हुई, मुद्रा इतनी मान लो अवस्फीति आ गई, तो उस टाइम ये इसको खरीद लेती है, बैंकों से, लोगों से खरीदती है। अब जब खरीद लेगी, उनको पैसा देगी, मार्केट में दोबारा पैसा आ गया, समझ रहे हो? देखो ये हाँ इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट देखो 1,00,000 रुपये के बदले सिर्फ 20,000 रुपये देंगे साल में, तो कितना कम पैसा साल में, 20,000 कोई बात थोड़ी ना, साल में अभी तो महीने महीने में 20,000 साल में मिलते हैं। नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो, जो ये होते हैं ना, क्या नाम है, जो कॉमर्शियल बैंक है, वो तुमसे महीने के लेते हैं, ठीक है, और तुम्हें देते साल के हैं, समझ रहे हो भाई? थोड़ा इन बात को समझो, ये तुमसे महीने का ब्याज चार्ज करते हैं ये कॉमर्शियल बैंक वाले, वो जब तुम्हें देते हैं, मतलब जब तुम्हें लोन देंगे तो महीने का चार्ज करेंगे, और जब तुमने पैसा जमा कराओगे ना उनके पास, वो साल में देंगे तुम्हें, तो बैंक में जमा कराने में घाटा है, तो तेजी होंगे पैसे नहीं कमाएंगे वो। हाँ भाई, इसने बेचा, ठीक है, सेल किया, बेच दिया है,
तो अब बेचने पे क्या होता है, मार्केट से जो पैसा एब्जॉर्ब हो गया, फिर जैसे ही मेरे पास वो जो कंडीशन है कौन सी, इन्फ्लेशन की, जो मेरे पास स्फीति की, जैसे ही ये वाली कंडीशन कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है, तो उसके बाद ना कुछ टाइम के बाद एक मेरे पास क्या भाई नई कंडीशन उत्पन्न होती है, इस मेरे पास डिफ्लेशन आता है, इसके बाद इन्फ्लेशन के बाद क्या भाई डिफ्लेशन, जो मेरे पास अवस्फीति, जो अवस्फीति मेरे पास आती है भाई, उसके बाद क्या होता है, जो ये आरबीआई, ये जो इनकी जो आरबीआई है ना, ये सारा आरबीआई कंट्रोल कर रही है, आरबीआई इसको दोबारा खरीद लेगी, आरबीआई जो है ये सिक्योरिटी बाय कर लेगी, ठीक है, मतलब खरीद लेगी। अब देखो भाई खरीदेगी तो मार्केट में पैसा आएगा, खरीदेगी तो मार्केट में पैसा आ जाएगा, समझ रहे हो ना, मान लो कि पहले से मेरे को बेचा था, अब वो मेरे से खरीद लेगी तो खरीदेगी पैसा देगी ना, तो पैसा अच्छा पता कभी कभी क्या होता है, कभी कभार डबल पैसा में बिकते हैं, लोग बोलते हैं हम तो बेच ही नहीं रहे, लोग पूरा बोलते हैं हम नहीं बेच रहे था। अच्छा मुझे बताओ, देखो जैसे ना ऑप्शन दिया जाता है कि तुम्हें बेचना है, मतलब तुम्हें अगर बेचना है तो बेच दो, उसके बाद ना पता है क्या होता है, पहले ना बहुत तगड़ा ऑफर निकालते हैं, फिर धीरे धीरे ऑफर कम करते हैं, पहले मान लो कि 1 लाख का शेयर 2 लाख में, लोग बोले अच्छा फायदा यार, बोले हम नहीं बेच रहे, कब तक कल 4 लाख, अब वो पता है 10,000 कम कर देती है, बोले पागल है बेच दे, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं तुमसे, बोल रहा हूँ तुम्हारे पास एक कार है, कार तुम्हें पता है 1 लाख की है, 2 लाख बोल है, उसके बाद कह रहा है अब मैं नहीं बेच रहा, अब तो 1,90,000 बोलो पागल, तो बढ़ाना चाहिए ना, मैं तो कटाऊंगा, फिर उसने बोला कि मैं नहीं बेच रहा, मैं 1,80,000, बोला ले खरीद ले यार तू, खरीद ले तू, मेरा घाटा करेगा, ऐसे तो होगा ना। तो आरबीआई सेम चीज़ करती है, वो ये करती है भाई कि जब भी ना मार्केट में डिफ्लेशनरी कंडीशन आती है, ठीक है, मेरे पास क्या है कि जो अवस्फीति डिफ्लेशनरी कंडीशन आती है, तो इस टाइम वो उसे खरीद लेती है, खरीदने के बाद मार्केट में पैसा आ गया तो जो डिफ्लेशनरी कंडीशन क्या है ठीक हो गई। ये जो मेरे पास पूरा प्रोसेस है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या भाई, खुले बाजार की क्रिया, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तुम्हें पहले इसका मतलब लिखना पड़ेगा, इसकी मीनिंग कैसे लिखोगे भाई, इसकी मीनिंग लिखने के लिए तुम्हें एक बात समझनी, सुनो तुम बता क्या बोलोगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। अब हिंदी वाले कैसे लिखोगे कि खुले बाजार की प्रक्रिया वह प्रक्रिया, मतलब खुले बाजार की क्रिया, खुले बाजार की क्रिया वह क्रिया है जिसके अंतर्गत, भाई इस वर्ड को थोड़ा लिखना सीखो, ठीक है, अंतर्गत मतलब कि अंदर, ठीक है, तो तुम अंदर लिखोगे ना थोड़ा ना चीप वाली फीलिंग आती है, समझ रहे हो, अंतर्गत लिखना है तुम्हें। देखो सस्ते वर्ड यूज करोगे ना तुम्हें सस्ते ही मार्क्स मिलेंगे, देखो गारंटी दे रहा हूँ, मैंने छी नहीं बोला चीप, ए यार क्या हो, सुनो सुनो भाई, तो मैंने क्या बोला कि क्या तुम्हें भुलवा दिया, देखो मैंने बोला कि अंतर्गत का यूज करना है, तो मैंने बोला कि खुले बाजार की क्रिया वे क्रिया होती है जिसके अंतर्गत आरबीआई के द्वारा अपनी प्रतिभूतियों को खरीदा तथा बेचा जाता है, ठीक है, बात समझ आगी। उसके बाद क्या चीज, हाँ वही वही करे तथा विक्रय किया जाता है। अब सुनो, अच्छा भाई पता, थोड़े ना महंगे महंगे वर्ड यूज करना सीखो, जितने महंगे वर्ड यूज करोगे ना उतने महंगे मार्क्स मिलते हैं। तो मतलब मानोगे, मेरा एक दोस्त कहता था मैं बना बना के आंसर लिखूंगा, मैं लिख के आई हो, उसके बिजनेस स्टडीज में जो आए थे, बिजनेस स्टडीज की बात करना, उसे इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके इकोनॉमिक्स में आए थे समथिंग कितने थे, 30 में थे, 30 के मतलब कि 30-33 से ऊपर थे बस, इतना मुझे याद है, फेल नहीं हुआ था बस इतना है, ठीक है। और वो पता 33 कैसे थे, उस 18 को जोड़ के, इसको प्रैक्टिकल मिलते हैं ना 18 को जोड़ के, वो बंदा पूरा पेपर करके आया था वो, ठीक है, और जो वो उतना दिक्कतें थी बना कर लिख के आया था वो, ठीक है, और हम थे थोड़ा बुक को समझने वाले, तो बुक की लैंग्वेज अडॉप्ट करने वाले। तो अब मैंने लैंग्वेज लिखी और मेरे 89 आए, तो सोचो 1 महीने के अंदर पढ़ के, अगर तुमने पूरे साल पढ़ लोगे ना लग के, पूरे 100 में 100 घट जाएंगे भाई। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ढंग से पढ़ लिया और समझ लिया तो इतना कह रहा हूँ भाई पूरा तीर मार जाओगे अच्छा वाला, ये चीज़ है। 100 में से 100 भाई आराम से रह सकते इकोनॉमिक्स में, हाँ तुम प्रैक्टिकल में कहीं में दिक्कत दे जाओ वो बात अलग है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो वो भी खत्म हो जाती है दिक्कत। सुनो भाई, अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि ओपन मार्केट ऑप्शन बता दिया पहले, अब सुनो मैं क्या बोलूँगा, अब फॉर कंट्रोलिंग द कंडीशन या फिर सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, बस मैं आ गई, फॉर कंट्रोलिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई सेल देयर शेयर, ठीक है, या फिर सेल देयर सिक्योरिटी इन द मार्केट एंड एब्जॉर्व द एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मनी इसको एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखोगे फॉर कंट्रोलिंग द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, इसका उल्टा, अच्छा पता है इतना लिख के तुम वाइस वर्सा लिख सकते हो, ऐसा लिखना मत, समझ रहे हो, इसके विपरीत लिखना मत, वो बोले टीचर पागल में आ रहा है मैं, तू
ठीक है, वाइस वर्स का मतलब क्या होता है इसका उल्टा। देखो पहले मैंने बोला कि भाई जो इन्फ्लेशन की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करती है भाई, मार्केट में अपने शेयर्स या फिर सिक्योरिटी बेच देती है, सेल करती है, ठीक है। तो मार्केट से जो एक्स्ट्रा मनी है वो क्या एब्जॉर्ब हो गया, ठीक। उसके बाद जब डिफ्लेशन की जो कंडीशन है, डिफ्लेशन की कंडीशन से टैकल करने के लिए, ठीक, डिफ्लेशन की कंडीशन से टैकल करने के लिए जो आरबीआई है अपने शेयर्स को क्या करती है, खरीद लेती है। तो उसमें क्या भाई मार्केट के अंदर क्या होता है, जो पैसा है ना वो दोबारा से पहुंच जाता है, ठीक है। देखो भाई पहले मैंने इंग्लिश में बता दिया, अब हिंदी की बात बताता हूँ। मैंने क्या बोला कि मुद्रा स्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा अपनी प्रतिभूतियों को बाजार में बेच दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण बाजार से जो अतिरिक्त मुद्रा है उसको सोख लिया जाता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात बोलो, जो एक्स्ट्रा पैसे है ना उसको मार्केट से सोख लिया जाता है। भाई तुम्हें सोख लिखना है, उसको अंडरलाइन कर देना भले ही, ठीक है। अच्छा पता है इसको, वैसे सोख का मतलब क्या होता है, सोख लेना पूरा पूरा। उसके बाद हाँ वही चीज़ है, उसके भाई सुनो, उसके बाद हम उसके अगले क्या लिखेंगे, और इसके विपरीत, सुन जाओ हम लिखेंगे और इसके विपरीत, फिर आगे लिखना है हमें और इसके विपरीत क्या होता है कि मार्केट से, फिर बोलो बाजार से जो अवस्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या करते हैं, जो प्रतिभूतियां हैं आरबीआई के द्वारा अपनी प्रतिभूतियां खरीद ली जाती है, ठीक है, बस इतना है। उसके बाद भाई हमारे पास थर्ड पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं रेपो दर, ठीक है। और यार कोई ना, चल दो एक मिनट दो, सुनो भाई देखो, जो मैं तुम्हें जो दो कंडीशन बताई ना, मतलब कि दो मैं तो जो तुम्हें दो बता दिए पॉइंट, पहले मैंने कौन सा बताया भाई बैंक दर, इसको बैंक रेट बोलते हैं। दूसरे मेरे पास क्या भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया है। पहले इसके बारे में लिख के आओ, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले चेक करूँगा और फिर बाकी उसके बाद देखेंगे, ठीक है।